हेलो दोस्तों, ए टू जेड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। इस ए टू जेड बायोग्राफी चैनल में आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स प्लेयर, सिंगर्स, कोरियोग्राफर, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड फेमस पर्सनालिटी की लाइफस्टाइल, बर्थ प्लेस, एज, स्कूल, कैरियर, फैमिली, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, हाउस, कार्स, नेटवर्थ और इनकम के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। अगर आपको किसी के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज नेम शेयर कीजिए कमेंट में, सो हम रिसर्च करके वीडियो बनवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल और शोले की बसंती हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी को तो आप जानते होंगे, जो धर्मेंद्र की वाइफ भी हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी है। तो इस वीडियो में हेमा मालिनी की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको हेमा मालिनी पसंद है तो इस वीडियो कर देना लाइक। हेमा मालिनी का फुल नेम है हेमा मालिनी चक्रवर्ती और निक नेम है ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर और पॉलिटिशियन है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अमानकुड़ी तमिलनाडु में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 73 साल की हैं। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और हेमा मालिनी आंध्र महिला सभा जाती थी अपना फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ने। वैसे इन्होंने पढ़ाई सिर्फ 11वीं क्लास तक ही की है, क्योंकि फिर ये एक्टिंग की दुनिया में चली गई अपना करियर बनाने के लिए। हेमा मालिनी का फिल्मों में सफ़र आसानी से शुरू नहीं हुआ था। उन्हें बॉलीवुड में आने से पहले तमिल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लगातार कई बार रिजेक्शन का सामना करने पर भी हेमा हार मानने वालों में से नहीं थी और वो आगे बढ़ती रही। 1961 में जब हेमा ने तमिल फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने की कोशिश की, तब इंडस्ट्री के डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत पतली हैं, और उनका रोल वेन निर्दय निर्मला को दे दिया गया। वैसे हेमा मालिनी का फिल्मी करियर तमिल फिल्म पांडव वनवासम के साथ 1961 में शुरू हो गया था। इसके बाद हेमा ने तमिल फिल्म इधु साथियम के गाने में परफॉर्म किया। हेमा ने तमिल सिनेमा में मिले रिजेक्शन 4 साल बाद राज कपूर के सामने सपनों के सौदागर से डेब्यू किया। राज कपूर उस समय फिल्म जगत में सुपरस्टार थे और ऐसे में हेमा को उनकी फिल्म में काम मिलना बहुत बड़ी बात थी, और बॉलीवुड में आने के बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1972 में हेमा ने फिल्म सीता और गीता में काम किया, जिसके बाद इनको एक अलग पहचान मिली। और फिर 1975 में हेमा को शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिली और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया और हेमा मालिनी को बसंती के नाम से पहचानने लगे। दोस्तों, 1977 में हेमा की ड्रीम गर्ल फिल्म आई, जो कि उनकी अब तक की सबसे अलग फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा की खूबसूरती ने उनका नाम ही ड्रीम गर्ल रख दिया। समय के साथ हेमा ने कई तरह के किरदार निभाए और कई हिट फिल्में दी, जैसे कि सत्ते पे सत्ता, अंधा कानून, हम दोनों, सीतापुर की गीता, दुर्गा और मोहब्बत के दुश्मन। दोस्तों, हेमा मालिनी के इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने के बाद भी इनकी एक्टिंग और एनर्जी में कोई कमी नहीं आई, और हेमा ने 2003 में बागबान और 2006 में बाबुल फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। वैसे इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ टाइम का ब्रेक लिया, लेकिन 2020 में इनकी फिल्म आई शिमला मिर्च। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। और वहीं मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी ने 1999 में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की और उसके बाद 2004 में इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और इलेक्शन लड़ी। चलिए मिलवाते हैं आपको हेमा मालिनी की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है VSR चक्रवर्ती और इनकी मदर का नाम है जया लक्ष्मी चक्रवर्ती, और इनके दो भाई भी हैं जिनका नाम है RK चक्रवर्ती और दूसरे भाई का नाम है RJ चक्रवर्ती। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने 1980 में धर्मेंद्र से शादी की, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, और इनकी दो बेटी हैं जिनका नाम है ईशा देओल और आहना देओल, और इनके अलावा इनकी दो स्टेप डॉटर भी है, विजेता देओल, और दूसरी डॉटर है अजीता देओल। और दोस्तों, वहीं मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, सनी देओल और बॉबी देओल भी इनके सौतेले बेटे हैं, यानी स्टेप सन। अब बात करते हैं हेमा मालिनी के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, हेमा मालिनी जुहू मुंबई में रहती हैं और इसके अलावा इनका घर कई और स्टेट में भी हैं।
अब बात करते हैं हेमा मालिनी के कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज एम क्लास और इस कार की कीमत है 65 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज E350D और इस कार की कीमत है 82 लाख रुपए। और तीसरी कार इनके पास है ऑडी Q5 और इस कार की कीमत है 56 लाख रुपए। और चौथी कार इनके पास है होंडा सेंटा फी और इस कार की कीमत है 30 लाख रुपए। और लास्ट कार इनके पास है MG हेक्टर और इस कार की कीमत है 14 लाख रुपए। अब बात करते हैं हेमा मालिनी के इनकम के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हेमा मालिनी एक फिल्म में काम करने के लिए लेती हैं 2 से 3 करोड़ रुपए और इन्होंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है जिससे वो अच्छा खासा इनकम कर लेती हैं। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग 250 करोड़ रुपए। तो ये थी हेमा मालिनी की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अरे यार, हमारे पता चला यहाँ आकर कि मेरे साथ कुछ वार्तालाप करने वाले हैं आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दे सकूंगी। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ आकर सुनील राणे जी के लिए, जो यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं, उनके लिए मैं इतना ये शब्द कहना चाहूंगी, मैं बहुत सालों से इनके हमें पहचानते हैं। ये पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर करीबन 25 साल से कार्यकर्ता बने हुए हैं और हर पोस्ट में लगे हुए हैं और आज यहाँ पर बोरीवली के उम्मीदवार बने हैं MLA के लिए। और पिछले बार भी मैं हमेशा इनका साथ देती हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही परिश्रमी है, बहुत काम करते हैं और मेरी जो भी समस्या होती है मैं इनके पास जाती हूँ तो उसका हल इमीडिएटली निकाल कर दे देते हैं। और उनका व्यक्तिगत काम है, इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहाँ पर 4,000 लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और उस इतना बड़ा एक अथर्वा यूनिवर्सिटी लगाया बनाया है इन्होंने यहीं पर। और इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम देश के लिए, पूरा महाराष्ट्र के लिए करते आए हैं। तो मैं हमेशा पूछती थी कि आप अभी तक यहाँ पर मिनिस्टर क्यों नहीं बने, बहुत ही कम मिलेंगे। और एकदम सिंसियर होकर, निस्वार्थ होकर देश के लिए, जनता के लिए सेवा करने का जो भाव होता है वो सुनील राणे जी में है, बहुत है। जब मैं, मुझे एक अवसर मिला था मथुरा क्षेत्र का सांसद बनने का, मैं थोड़ा घबराई हुई थी। तब उससे पहले से मैं सुनील जी को जानती थी इसलिए वो पहले मेरे पास आए कि आप सचमुच लड़ने वाले हैं क्या। मैंने बोला लड़ने वाले एक बात क्या है, मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने कहा हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको मेरे साथ मथुरा आकर मेरा बहुत सारे जो समस्या होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, उसको हल करना है, तो मेरे साथ रहे। पहले वाला चुनाव जो 2014 में जो मोदी जी की लहर 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 में हम लोग जीत के आ गए थे, उस चुनाव में साथ दिया, बहुत साथ दिया और तब से हमारा नाता बहुत अच्छा जुड़ा है। मथुरा में एक बहुत सुंदर सा एक कार्यक्रम किया था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही माहिर है, फैशन शो करते हैं, करवाते हैं लड़कियों को, बच्चों को बहुत सारे उत्साह देते हैं, फैशन फील्ड में भी, मॉडलिंग करने में भी, बहुत तन मन धन से करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति आप लोग नहीं मिलेगा, तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ बोरीवली के रहने वाले जितने भी समस्त पब्लिक हैं इनको ही वोट देना चाहिए ताकि आप लोगों का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, बोरीवली में बहुत सारे सुधार होगी और बहुत सारा विकास भी होगा। वैसे तो हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं, बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करते आ रहे हैं। गोपाल शेट्टी जी
अभी भी फिल्म का शूटिंग वगैरह करती हूँ। मेरा एक पर्सनालिटी ये है कि हेमा मालिनी क्या है, हेमा मालिनी एक अभिनेत्री है, एक नृत्यांगना है और अभी आप राजनीति में भी जुड़कर कुछ सेवा, पब्लिक सेवा, देश सेवा करने का एक कोशिश है, तीनों मिलकर मैं हूँ। तो इसमें एक किसी को भी आप मेरे से, मेरे इस पर्सनैलिटी से हटा नहीं सकते हैं। मैं हमेशा एक कलाकार ही रहूँगी। मैं तो कलाकार के रूप में मैं कभी नृत्य करती हूँ या फिल्मों में डांस या कुछ एड फिल्म करना है तो काफ़ी शूटिंग हमारी मॉडल आइलैंड में होती है। मॉडल आइलैंड जो क्रॉस करके जाना होता है, वो दरिया पार करके जाना पड़ता है। उनको जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फेरी में जाना पड़ता है इधर से उधर जाने के लिए, नहीं तो 2 घंटा घूम कर आना पड़ता है। तो उसका बताया तो इन्होंने इतना अच्छा सा एक फेरी बनाया फॉर स्पेशल वन। तो आइडियली आई थैंक यू फॉर दैट, वेरी वेरी कम्फर्टेबल, 1 सेकंड में इसमें चले जाते हैं। तो उस नहीं तो पहले हमें मछुआरे ये वो सब किस्म के पब्लिक के साथ बैठ कर जाना पड़ता था, तो अच्छा भी लगता था पब्लिक के साथ जाने में, लेकिन ये थोड़ा एक्सक्लूसिवली करके दिया है तो इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे तो ये तो छोटा सा एक काम था, वैसे पूरा मलाड ये सब एक जगह में गोपाल शेट्टी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं और मेरे साथी हैं सांसद में, हम लोग काफ़ी मिलकर बातें करते हैं। जो मोदी जी जो जो कह रहे हैं, इतनी सारी योजनाएँ लेकर आए हैं, उन सबको साकार करने में हम सब लोग साथ रहकर हम आगे बढ़ाते हैं। गोपाल शेट्टी जी यहाँ से करते हैं बोरीवली से और मुझे मथुरा से बहुत सारा काम करने को मिलता है क्योंकि बट लेकिन ये है कि आप लोग के लिए इजी है क्योंकि आप लोग यहीं रहते हैं और आप लोग सांसद भी यहाँ से बने हैं, लेकिन मैं सांसद मथुरा की मैंने खुद ही ये मांगा था, मुझे मथुरा में ही सांसद बनना है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये 6 घंटे का रास्ता है, हर वक्त मुझे मथुरा जाना होता है, 6 आवर्स ऑफ माई जर्नी यहाँ टू गो। बहुत सारा काम मैं भी करती रही, अभी मैं आई मथुरा से, अभी फिर 2 दिन के बाद वापस लौट जाऊंगी। ऐसे एक सांसद बनकर हम लोगों को बहुत काम करने को अवसर मिलता है और हम वी ऑल एंजॉय। पहले जो सांसद थे पता नहीं वो क्या करते थे, क्योंकि कोई भी काम मैं देख नहीं सकती हूँ क्योंकि पिछले 60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो अभी पिछले 5 साल से बहुत सारा काम इतना स्पीड से हो रहा है। ये हमारी सरकार की वजह से, हमारे मोदी जी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। और उन्होंने बहुत सारा एक पाठशाला भी बोला मतलब 2 दिन का वर्कशॉप ही रखा था मोदी जी ने, सारा सांसद को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिया गया 2 दिन के लिए कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद द पब्लिक, हाउ टू टॉक टू द पीपल हु नीड सम काइंड ऑफ अ हेल्प एंड वेरी एंड हाउ टू गिव योर स्पीच। ऐसा बहुत सारे काम उन्होंने बताया विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा मेरे ख्याल में पिछले सरकार में किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा, हम सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट। ये तो मेरी मैं अभी बताया उन्होंने कैसा मैं इस भारतीय जनता पार्टी में आई, पहले बहुत ही सोच रही थी झिझक रही थी कि मैं क्या करूँगी, मैं बहुत ही पॉलिटिक्स में क्यों जाऊँगा, लेकिन इट वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी जया चक्रवर्ती जी, उन्होंने बोला कि अटल जी जैसे इतने बड़े व्यक्ति यहाँ इस पार्टी में हैं तो उनको जाने में क्या तकलीफ क्या है, ऐसा ठीक है फिर भाषण क्या देना है, तो आप भाषण पहले लिखे क्योंकि भाषण से मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अभी मैं भाषण नहीं कर रही, आगे ऐसे कॉन्वर्सेशन विद यू। तो मेरे मम्मी ने लिख के दिया था क्या बोलना चाहिए, तो उसको मैंने रिपीट किया तो इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। उस समय से अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी, मेरे ख्याल में 20 साल हो चुका है और अभी तक हूँ और आगे कितने साल रहेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे सुनील रानी जी जैसे ऐसे एक व्यक्ति को हमारे पार्टी में आना चाहिए। पार्टी में तो है, काम ही कर रहे हैं, इस बोरीवली के लिए आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनको वोट देकर बहुत ज़्यादा वोट देकर जिताएंगे। हम आपको
करवाएंगे। बाकी बिहारी है, राधा रमन जी है, बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे मथुरा से आए हुए हमारे गुरु जी भी बैठे हैं। उठिएगा सुनील राणे जी और इनके काम इससे इतना प्रभावित होकर ऐसे बहुत सारे संत हैं हमारे मथुरा में। ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र है वो मथुरा, और वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ के लोग भी बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कृष्ण का नगरी है और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वो कंस की नगरी भी है। थोड़ा थोड़ा कंस भी मिलेंगे आपको, क्योंकि थोड़ा ईविल भी होना चाहिए, तभी डिवाइनिटी का और भी महत्व मालूम पड़ेगा। तो आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, प्लीज़ जरूर।